तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत की मौत के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इंडियन एयरफोर्स का यह एडवांस हेलीकॉप्टर इस बड़े हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 14 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। एयरफोर्स की स्पेशल टीम ने जांच के बाद ब्लैक बॉक्स, जिसे डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, खोज निकाला है। स्पेशल टीम इसके लिए तेजी से काम कर रही थी। एयरफोर्स की स्पेशल टीम को जो ब्लैक बॉक्स मिला है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं बताई जा रही है। फिलहाल टीम डाटा रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। यह जांच पूरी होने के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। दरअसल विमान हादसों का पता करने के लिए इन ब्लैक बॉक्स को काम में लिया जाता है, जो विमान की उड़ान के समय पूरी गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। यही कारण है कि ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। इन ब्लैक बॉक्स के अंदर सुरक्षित दीवारें होती हैं, ताकि हादसा होने पर ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित रह सके और किसी भी तरह का हादसा होने पर पता लगाया जा सके कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इसका आविष्कार किया था। उस समय इन बॉक्स को लाल रंग के कारण रेड एग भी कहते थे। बाद में इन बॉक्स की दीवारें काली होने के कारण इन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन्हें ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। इन बॉक्स के ऊपरी हिस्से की बात करें तो ऊपरी हिस्सा लाल या गुलाबी रंग का होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कहीं झाड़ियों में गिरते ही इसे दूर से ही देख लिया जाए। अब जरा आपको ये बताते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर कैसे काम करते हैं। टाइटेनियम से बने ये ब्लैक बॉक्स कई परतों में होते हैं, ऐसे में ये सुरक्षित होते हैं। माना जाता है कि यदि प्लेन में आग लग जाए तो भी ये ना के बराबर नष्ट होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ब्लैक बॉक्स एक घंटे तक 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकते हैं। वहीं आगे के दो घंटे तक ये ब्लैक बॉक्स 260 डिग्री तक तापमान सह सकते हैं। इन ब्लैक बॉक्स की खासियत होती है कि एक महीने तक बिना बिजली के काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी कोई हादसा हो जाए तो डाटा इन ब्लैक बॉक्स में सेव रहता है और इन ब्लैक बॉक्स से लगातार तरंगें निकलती हैं और कुछ आवाजें भी निकलती हैं। हादसे के वक्त दूर से ही इन तरंगों को महसूस किया जा सकता है और आवाजों को सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, समुद्र में गिरने के बाद भी इन ब्लैक बॉक्स से आवाजें और तिरंगे निकलती हैं और ऐसा करीब 30 दिन तक लगातार हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विमान में इस ब्लैक बॉक्स को कहाँ रखा जाता है। तो इसका जवाब है, प्लेन में सबसे पीछे ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हादसे के समय भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के अलावा प्लेन में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी लगा होता है, हालांकि यह इसी ब्लैक बॉक्स का हिस्सा होता है। यह कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर विमान में अंतिम 2 घंटे की आवाज़ रिकॉर्ड करता है। इसमें विमान के इंजन की आवाज़ के अलावा इमरजेंसी अलार्म की आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।